सुंदर और स्वस्थ दिखने के लिए हमारे चेहरे के साथ साथ हमारी गर्दन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। यानी कि वैसे तो पूरे शरीर का ही रोल होता है, लेकिन गर्दन होती है वो अगर उस पे फैट जमा हुआ रहता है, कंधों पे फैट रहता है, या पीछे की तरफ नेक हम्प रहता है यानी कि कुबड़ रहता है, या अपने जो गर्दन होती है उसके ऊपर चर्बी या झुर्रियाँ रहती हैं, इस वजह से अपनी उम्र भी दिखाई देती है और बुढ़ापन भी लगता है। भले ही अपन चेहरे को कितना भी साफ सुथरा रखें या मेकअप करके रखें, लेकिन उसमें अगर गर्दन मैच नहीं कर रही है या गर्दन पे मोटापा है तो वो बहुत बुढ़ापन लगता है। आज के सेशन में हम गर्दन और कंधे की चर्बी का मोटापा दूर करने के लिए एक्सरसाइज करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको हल्का फुल्का वार्म अप करना। हल्का फुल्का वार्म अप का मतलब होता है गर्दन को रोटेट करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। ऐसे ही आपको नेक को सेंटर में खड़ा करके उसको आगे के लेना है। आपको चिन है, चिन को यानी कि ठोड़ी होती है, उसको यहाँ पे टच करना है और सेंटर में रखना है सिर को। 10 टाइम करेंगे ऐसे। इससे आपके जो पीछे की स्ट्रेचिंग होती है, पीछे की गर्दन होती है, हेम्प होता है, उसमें स्ट्रेचिंग होगी और उसकी जो चर्बी होती है वो बर्न होगी। ऐसे ही सेंटर में रख करके हमें पीछे की तरफ करना है। दूसरी साइड करेंगे इस तरीके से। कंधे को थोड़ा स्ट्रेच करके रखें, 10 टाइम्स करना है। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है। इसमें आपको यहाँ सेंटर से इस तरफ 10 टाइम्स करना है, सेंटर से करना है। दूसरी साइड में भी सेंटर में रखें अपने हेड को
और दूसरी साइड में भी ऐसे करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप हाथों को यूं करके रखें, फिर उसके बाद में यह हाथ को जोड़ करके और पीछे की तरफ लेके जाएं। पंद्रह सेकंड के लिए होल्ड रखना है। वापिस उसी पोजीशन में आएं और इस तरीके से हाथों को स्ट्रेट करके नीचे करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से पकड़ना है हाथों को, दूसरा हाथ आपको गर्दन के ऊपर यूं लगा के रखना है, दूसरा हाथ आपको अपोजिट साइड में कंधे पे इस तरीके से लगा के रखना है और इसको आपको 15 सेकंड के लिए रखना है। इसी तरीके से आपको दूसरी पोजीशन करनी है। इस एक्सरसाइज में आप ही महसूस करेंगे जो आपकी यहाँ की नसें हैं वो पेन करने लग गई, और जो आर्म्स हैं वो भी और अंडर आर्म्स हैं वो उनका भी स्ट्रेचिंग हो रहा है, यानी कि जो अपर बॉडी फैट है वो ऑलमोस्ट बर्न हो रहा है आपका। दूसरी पोजीशन में इस तरीके से हैंड्स को करें और यहाँ तक आपको चेस्ट तक लेके आना है, फिर वापस ऊपर लेके जाना है। ब्रीदिंग भी करें साथ साथ में, सांस भरते हुए आपको ऊपर कटा हाथ को, सांस छोड़ते हुए आगे लेके आना, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। 10 टाइम्स करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से हाथों को करके रखना है और ऐसे टेढ़े लेके जाना है, इस तरीके से 10 टाइम करना है। सांस भरते हुए आपको इधर लेके जाना है, सांस छोड़ते हुए वापस ऊपर लाना है। ये अपना कंधों और गर्दन की चर्बी का फर्स्ट सेशन था। इसका दूसरा सेशन भी चलेगा क्योंकि इसकी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, तो इसमें क्या होता है सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इस वजह से आप लोग भी थोड़ा बोरियत महसूस करते हो। तो सेशन को थोड़ा सा शॉर्टली बनाने के लिए 2 सेशन में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2।
नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। वीडियो को पूरा वॉच करना है, देखने के पश्चात आपको शेयर और कमेंट लाइक करना है, और ऐसे जो लोग हैं या आपके आसपास में आपकी फैमिली में लोग हैं जो इंटरेस्टेड है इन सब चीज़ों के साथ में, यानी कि योगा एक्सरसाइज के साथ में, तो उनके उनके पास में मेरा वीडियो जरूर शेयर करें, लिंक शेयर करें। ऐसे ही सेशन के साथ में अगले सेशन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।